नमस्कार दोस्तों, बबलू पूनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे गेहूं हैं ये कितने लहलहा रहे हैं, और कल इनमें पानी करना था। पापा भी बोल रहे थे कि पानी कर दो पानी कर दो, वगा जी मौसम ख़राब है बारिश पड़ेगी, लेकिन हमने पानी नहीं किया इसमें। और अब आप देख सकते हैं, मैं कैमरा दूसरी तरफ घुमाता हूँ कि कितनी बारिश पड़ी रात में। ये देख लो दोस्तों, ये बिल्कुल ज़मीन जो है सूखी थी, अभी भान तैयार किया इसका। और ये वाला जो फील्ड है अभी आपको दिखा दूँ, ये यहाँ बिल्कुल सूखा था, यहाँ कोई बात नहीं थी किसी भी तरह का, पानी वानी नहीं आ रहा था। और ये देख लो, ये भान है जिसमें कल हमने खाद डाला था, इसकी वीडियो बनाई थी रूटावेटर से जोतने की भी। ये देखो, ये यहाँ पानी भर रहा है बिल्कुल, तो सूखा खेत था, इसमें जैसे रोटावेटर चल रहा था तो उसकी भी धूल आ रही थी, लेकिन परमात्मा की देखो कैसी कृपा होती है, बारिश पड़ेगी। कुछ भाई सोच रहे होंगे कि मतलब गलत हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा पे जो है दोस्तों सभी का दाव, सभी जीव जंतु का, इंसान का, उद्योग धंधों का, सभी का दाब रहती है। किसी बेचारे गरीब के पास में गेहूं तो होंगे लेकिन ट्यूबवेल का पानी का साधन नहीं होगा, वो कह रहा होगा परमात्मा अगर बारिश पड़ जा तो मज़ा ही आ जा। तो इसी मज़े को देखते हुए परमात्मा ने बारिश कर दी, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने परमपिता परमात्मा का कि वो हमारा इतना ध्यान रखता है, तो ज़्यादा दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं। और दोस्तों दूसरा मैं बता दूं आपको, ये देखो वही गेहूं है जो बिल्कुल छिद्दे छिद्दे थे, और इसमें मैंने दवाई खाद लगा कर वीडियो सेंड करी थी आपको, ये बिल्कुल घिण के हो गए। और कल इनमें पानी लगाना था, फिर हमने लगाया नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मगर भाई परवा पहला पछवा हवा थी, फिर परवा में बारिश पड़ेगी ज़रूर। बारिश इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जो हमारे यहाँ 75 गेहूँ हैं, हमारे यहाँ पर 75 गेहूँ इसलिए अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ठंड जो है अब एक दो महीने से लेट, एक दो साल से जो है लेट तक हो जाती है। अब आज देख लो फरवरी का लास्ट चल रहा है बिल्कुल, उसी हिसाब से देखते हुए ठंड है। अभी मैं टोपा ओढ़ रहा हूँ, ये देख लो दोस्तों, और ये कपड़े गर्म पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि ठंड जो है ना, ठंड का इतना अच्छा हिसाब हो रहा है कि सुबह बड़ी बढ़िया नींद आती है। और कुल मिला के ठंड रहने से जो है गेहूँ भी अच्छे होंगे, और गेहूँ अच्छे होंगे तो मतलब हमारे सरकार का भंडारण भी भरेगा। कुल मिला के बारिश जो है ठीक है दोस्तों, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।